हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रु में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, यानी मानव के स्वास्थ्य और उसमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देर वॉज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। हेल्थ को बहुत समय तक यह समझा जाता था यह बॉडी और माइंड की वह स्टेट जहाँ पर इन दोनों में बैलेंस हो। दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। और यही बॉडी और माइंड का बैलेंस जो है ग्रीक में हिप्पोक्रेट्स ने और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम में बताया गया है। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फ्यूअर्स। ये समझा जाता था कि जिन पर्सन की ब्लैक बाइल होती है वो हॉट पर्सनैलिटी वाले होते हैं और उनमें फीवर्स की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बुखार की संभावनाएं होती हैं। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। दैट इज स्टोरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। और जो ब्लड सर्कुलेशन का जो डिस्कवरी हुई थी वो विलियम हार्वी के द्वारा हुई थी। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके द्वारा उन्होंने ब्लड के जो सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो क्या समझा जाता था कि जिन पर्सन्स की बाइल ब्लैक होती है वो हॉट पर्सनैलिटी वाले होते हैं, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई विलियम हार्वे के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट करके और उन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया, उन पर्सन्स का जिनकी बाइली ब्लैक थी, ब्लैक बाइल थी जिनकी, उनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में जो है डिस्कवरी की, उससे ये जो हाइपोथेसिस थी ये डिसप्रूव हो गई। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेट्स दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और आगे आने वाले सालों में बायोलॉजी ने यह बताया गया कि माइंड प्रभावित होता है, माइंड को न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित करते हैं। अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ। और हमारा इम्यून सिस्टम भी इसको प्रभावित करता है और इम्यून सिस्टम ही हमारा जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज अ डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। जो है हेल्थ जो है इन कारणों से अफेक्टेड हो सकती है। नंबर वन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी वह डेफिशिएंसीज, वह कमियां जिनके साथ कोई चाइल्ड बोर्न हुआ हो, या वह डिफेक्ट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती हो। नंबर दो, इन्फेक्शन से हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। नंबर तीन, लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वीटेक। लाइफ स्टाइल पर्सन के, किसी भी पर्सन के लाइफ स्टाइल से हेल्थ जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसमें फूड और वाटर आता है जो हम लेते हैं, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव अवर लैक एटसेट्रा। लाइफ स्टाइल में फूड और वाटर जो हम खाते हैं, रेस्ट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं जो हम अपनी बॉडीज के लिए करते हैं, हैबिट्स क्या हमारी, क्या क्या आदतें हैं, इन सब से हमारी जो है हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। जो टर्म है हेल्थ, वर्ड है, ये सभी के द्वारा बार बार यूज किया जाता है। अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि डिजीज की अब्सेंस अब्सेंट हो या फिजिकल कोई पर्सन फिजिकली फिट हो। इट कुड बी डिफाइन एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ को हम डिफाइन करेंगे जब कोई पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली बिल्कुल सही हो, बिल्कुल फिट हो, तब कहेंगे कि वो हेल्दी है। यानी तीनों स्टेट में, फिजिकली भी, शारीरिक रूप से, मेंटली भी, मानसिक रूप से, और सोशली मेल जोल में भी बिल्कुल सही होना चाहिए कोई पर्सन, तब कहेंगे कि हम वो पर्सन हेल्दी है। तो किसी भी पर्सन की वह स्टेट जब वो कंप्लीटली फिजिकली मेंटली और सोशली बिल्कुल ठीक हो, वेल बीइंग हो, तब हम कहेंगे कि वो हेल्दी है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जब पीपल हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो अपना कार्य ज़्यादा कुशलता से कर सकेंगे। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। और जब पीपल हेल्दी होंगे तो उससे जो है देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें इंक्रीमेंट होगा और जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। हेल्थ आल्सो इंक्रीजेस लॉन्गविटी ऑफ पीपल।
एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। हेल्थ से क्या होता है, किसी भी पर्सन का जो जीवन काल होता है किसी भी पीपल का, वो भी बढ़ता है, और इससे इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी इससे घटती है। बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। किसी भी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, स्वास्थ्य साफ सफाई होनी चाहिए, और रेगुलरली उस पर्सन को एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत समय से जो है किया जा रहा है। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को जो है अचीव करने के लिए डिजीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, और उनका बॉडी के किस पार्ट पर क्या जो है इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में किसी हर सभी को पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन लगातार होना चाहिए इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, और वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, और जो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स डिजीज कोज करते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, और जो हम फूड या वाटर रिसोर्सेज यूज करते हैं उनके हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए, उनका रखरखाव बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, जब किसी भी एक ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम की, बॉडी में ऑर्गन होते हैं जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो जब उनकी फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिस्टम, और जब उनकी फंक्शनिंग अफेक्टेड होगी उससे बॉडी में बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स दिखाई देंगे, वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, तब हम कहेंगे कि हम हेल्दी नहीं हैं, दैट इज वी हैव अ डिजीज, कि हमें डिजीज हो गई है। डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इंटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। डिजीजेज को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक इन्फेक्शियस डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीजेज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। जो डिजीजेज इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए उनको इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स और अदर। इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होती हैं ये बहुत ही कॉमन होती हैं, साधारण होती हैं, और हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी इससे जो है प्रभावित हो जाता है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक एड्स आर फेटल। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं जैसे कि एड्स, ये फैटल हो सकती हैं, ये मृत्यु का कारण हो सकती हैं। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वह होती हैं जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, या फिजिकली कॉन्टैक्ट से या यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करके ये ट्रांसफर नहीं होती जैसा कि इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैंसर। कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। ड्रग या एल्कोहल को यूज़ करना, ड्रग का यूज़ करना हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंट्स एक्सेट्रा कुड कोज डिजीज इन मैन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंट्स, ये किसी ह्यूमंस में या मैन में डिजीज कोज कर सकते हैं। सच डिजीजेस कोजेज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी वे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कोज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं क्योंकि वह जिस होस्ट पर रहते हैं उसको हार्म करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या तो उसके अंदर रहेंगे होस्ट के या होस्ट के ऊपर रहेंगे। द पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे जो ह्यूमंस की बॉडी होती है उनमें अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। और जो हमारी किसी भी ह्यूमंस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं
उसके साथ वो इंटरफेयर करते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिससे जिस जो ह्यूमंस अफेक्ट हुआ है उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकली कुछ चेंज आता है और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो फंक्शंस हैं वो भी डैमेज हो जाता है। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। और पैथोजेंस जब किसी भी ह्यूमंस में या किसी भी होस्ट में एंटर करते हैं तो जो उस होस्ट का जो एनवायरमेंट होता है पैथोजेंस को उसमें अडेप्ट करना होता है, उसमें वो यानी उस एनवायरमेंट के अनुसार उसको पैथोजेंस को जो है ढलना होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर द पैथोजेंस दैट एंटर द गस्ट मस्ट नो ए वे टू सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसे जो पैथोजेंस गट में एंटर करेंगे यानी स्टमक के अंदर एंटर करेंगे उन्हें स्टमक में क्या होता है लो पीएच होता है, स्टमक में एचसीएल पाया जाता है तो थोड़ा एसिडिक होता है वो, तो स्टमक के अंदर लो पीएच होता है और स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, तो जो पैथोजेंस गट में एंटर करेंगे स्टमक में एंटर करेंगे उन्हें स्टमक के लो पीएच और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे बचने का तरीका उन्हें अपनाना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा उन कंडीशंस में। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हेयर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम। कुछ जो हैं मेंबर्स यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के जो हैं डिस्कस किए गए हैं और उन मेंबर्स से उन पैथोजेनिक मेंबर्स से कौन कौन सी डिजीज होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दीज डिजीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। और क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड हैं, क्या क्या कंट्रोल हम इनके अगेंस्ट कर सकते हैं, ये भी ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे डिजीज टाइफॉइड के बारे में। सेल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जिसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी और जो ह्यूमन बींग में ये टाइफाइड फीवर जो है कॉज करता है। इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो टाइफाइड है, टाइफाइड को कौन कॉज करता है सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. तो जो ये pathogens होते हैं Salmonella typhi, ये generally small intestine जो होती है humans की उसमें enter करते हैं। जो food और water कोई भी human being लेगा अगर वो contaminant होगा वो जो है Salmonella typhi से दूषित होगा, तो जब कोई भी human उसको इंटेक करेगा उसको खाएगा तो जो ये पैथोजेंस है सेल्मोनेला टाइफी ये उस ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत होती है उसमें एंटर कर जाएगा और वहां से माइग्रेट होकर जो है ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सस्टेंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये सिम्टम्स इसके हैं लगातार हाई फीवर होना 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, वीकनेस आना, कमजोरी आना, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना यानी पेट में खिंचाव हो जाना, हेडेक हो जाना, सिर में दर्द और भूख की कमी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इंटेस्टिनल प्रिफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवरल कॉसेस। इंटेस्टाइन का जो खराबी हो सकती है या कुछ केसेस में टाइफाइड के कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड फीवर को जो है विडाल टेस्ट से हम कन्फर्म कर सकते हैं। एक क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर। एक पुराना केस है मैरी मेलन के नाम से जिसको मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी भी कहा जाता था। सी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन, जो मैरी मेलन थी वो कुक थी एंड वाज ए टाइफाइड और वो टाइफाइड कैरियर थी। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल इयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। मैरी मेलन क्या थी, कुक थी और वो टाइफाइड की कैरियर थी और जब वो खाना जो खाना वो बनाती थी उससे कई सालों तक उसने जो टाइफाइड फीवर है या टाइफाइड का जो पैथोजेंस है अपने खाने के द्वारा उसने जो है ट्रांसमिट किया है। नंबर दो, निमोनिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोली एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये जो है ह्यूमंस में निमोनिया डिजीज कॉज करते हैं और जो निमोनिया डिजीज है वो ह्यूमंस में एल्वियोली लंग्स में जो एल्वियोली होती है जिनमें हवा भरी होती है
एयर फिल्ड सैक्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एलिवियोली गेट फिल्ड विद फ्लूड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। और इससे क्या होता है, निमोनिया इन्फेक्शन से क्या होता है कि जो एलिवियोली होती है, एलिवियोली में जो है फ्लूड भर जाता है जिससे कि सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूडिंग फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। जो कॉमन सिम्टम्स हैं निमोनिया के उनमें बुखार, चिल्स, ठंड लगना, कफ खांसी और जो सर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। इन सीवर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लू इन कलर। कुछ केसेस में क्या होता है, जो लिप्स होट या फिंगर के जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो ग्रे या ब्लूश नीले रंग के होने लगते हैं। ये कुछ केसेस में होता है। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या एरोसोल्स होते हैं, सांस के द्वारा जो होता है, जब वो उनको इनहेल करेगा उससे वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या इन्फेक्टेड पर्सन के जो ग्लासेस होते हैं या बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, उनको शेयर करने से भी निमोनिया फैल सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। डायसेंट्री, प्लाग, डिप्थीरिया एटसेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाली 4 डिजीजेस के बारे में लिखिए सीबीएसई एग्जाम में, या डिजीज दे दी जाएगी ये बैक्टीरिया से होती है या किसी और से होती है, पूछा जाता है। तो डायसेंट्री, प्लाग, डिप्थीरिया ये और डिजीज हैं जो बैक्टीरिया जो है मैन में कोज करता है। नंबर 3 है कॉमन कोल्ड, ये वायरसेस से होती है। मैनी वायरसेस आल्सो कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड। कुछ डिजीजेज होती हैं ह्यूमन बींग्स में जिसे वायरस कॉज करते हैं। राइनो वायरसेस जो हैं वायरसेस का एक ग्रुप है जो ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है, जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, यानी ठंड लग जाना, जिसे आम भाषा में सर्दी भी कह देते हैं, सर्दी लग जाती है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। कॉमन कोल्ड जो होता है ये नोज को इन्फेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज को करते हैं, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। द सिम्टम्स क्या क्या है इसके, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नेसल कंजेशन होता है, नाक बहने लगता है, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, गला खराब होने लगता है, कफ खांसी हो जाती है, हेडेक हो जाता है, और टायर्डनेस रहने लगती है, यानी थकन होने लगती है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। कॉमन कोल्ड यूजुअली 3 to 7 दिन तक ही रहती है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेंस, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस एटसेट्रा एंड कोज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। किसी भी जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा, छींकेगा या खांसेगा, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स उसकी होती हैं या वो तो या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा इनहेल कर ली जाए, या हेल्दी पर्सन जो है इन्फेक्टेड पर्सन के पेंस, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड या माउस यूज कर ले, उसके द्वारा यह डिजीज फैलती है। यानी इन्फेक्टेड पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसकी थिंग्स हैं, उनको यूज करने से, या जब वो इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है, उससे जो ड्रॉपलेट्स आती हैं उसको इनहेल करने से जो है कॉमन कोल्ड फैलती है। इसके कुछ कॉमन कॉजेज हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।